आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस। और बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस डिस्कस करने से पहले आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, क्योंकि आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया है और इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सोच से ज़्यादा ही आया है। तो वो आपका मेहनत है, हार्ड वर्क है, आपने काफ़ी मेहनत किया है और आपका जो मेहनत है वो आपके रिज़ल्ट में दिखा और आपका रिज़ल्ट बोलता है। आपको पूरे साल कोई नहीं पूछेगा कि भाई आपने क्या पढ़ा, कैसे किया, क्या हुआ, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो आपसे पूछते हैं कि आपका रिज़ल्ट क्या रहा, पास हुए कि फेल हुए। तो जो बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए हैं उनको तो काफ़ी बधाइयाँ, जो कम नंबर से भी पास हुए हैं चलो पास तो हो गए, और जो बच्चे फेल हुए हैं वो अपने आप को ऐसा मत सोचे कि मैं कमज़ोर हूँ, खुद डिमोटिवेट ना हो और उत्साह से वो तैयारी करें और नेक्स्ट ईयर अच्छे नंबर लाएं। और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे नंबर लाएंगे ही। और जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनके लिए दोगुनी खुशी की बात है कि फर्स्ट तो वो उनका रिज़ल्ट आया है और बहुत अच्छा मार्क्स भी आया है। दूसरा ये कि रिज़ल्ट तो आया ही है, साथ ही मैंने सोचा कि भाई चलो अभी से पढ़ाते हैं इनको। तो मैं आज आपके साथ सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ सेकेंड ईयर का। तो बीएससी फर्स्ट ईयर से आप अब कहाँ आ गए हैं, बीएससी सेकेंड ईयर में आ गए हैं, तो बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और धीरे धीरे हम इसको पढ़ते जाएंगे। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने केमिस्ट्री पढ़ा, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने केमिस्ट्री पढ़ा और केमिस्ट्री में पढ़े हैं तीन पेपर, पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री। पेपर जो वन है उसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर टू जो है उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर थ्री है उसका नाम क्या है, हाँ फिजिकल केमिस्ट्री नाम है। तो ये जो है वो 33 नंबर का होता है, ये भी 33 नंबर का होता है, लेकिन ये जो होता है वो 34 नंबर का होता है, 34 मार्क्स का होता है। और प्रत्येक जो आपका इस पेपर है उसमें आपको 5 यूनिट पढ़ना रहता है। मैंने 5 यूनिट को ऐसे लिख के रख दिया है आपके लिए और वही चीज़ अपन डिस्कस करेंगे यहाँ। तो हम सबसे पहले देखते हैं पेपर वन। पेपर वन में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में ही हम आते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाँ सही देख रहे हो आप, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही लिखा हुआ है। और जैसे ही मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा आपके माइंड में पूरा पीरियडिक टेबल आ गया, और पीरियडिक टेबल में भी क्या आया आपका, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है ये आपको डिटेल में बताएंगे। हम पढ़ने वाले हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के बारे में। इनके बीच हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि 3D और 4D में क्या समानताएं हैं और क्या विषमताएं हैं, 3D और 5D में क्या समानताएं हैं और क्या विषमताएं हैं, इस यूनिट नंबर वन में स्टडी करेंगे। साथ ही हम इनके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैं अगर बोलूं कि इनके चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, इनके बारे में स्टडी करेंगे हम। किस में करेंगे, यूनिट नंबर फर्स्ट में। संक्रमण जो धातु हैं वो कलर कंपाउंड बनाते हैं क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको पता चलेगा कि क्यों बनाते हैं। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में हमको पढ़ना है, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में हमको पढ़ना है यूनिट नंबर फर्स्ट में। और जैसे ही आप यूनिट नंबर फर्स्ट से यूनिट नंबर सेकंड में जंप करते हैं आपको क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ना है। इसका जो पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में ये डिवाइड है। पार्ट ए में आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। ये आप पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। तो ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन है। इसको और बहुत तरीके से अपन डिफाइन करेंगे, जैसे मैं आपको एक तरीके से बताता हूँ। मैं अगर बोलूँ कि एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन क्या है, ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का एडिशन क्या है, रिडक्शन है। मैं दूसरे तरीके से इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। सपोज करिए आपके पास एक सोडियम है, सोडियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो सोडियम पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब ये क्या है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, हाँ रिडक्शन है, जस्ट अपोजिट है ना ये ना।
अब जरा ध्यान से देखिए कि एक सोडियम है, सोडियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो सोडियम जो पहले नॉर्मल था अब उसके ऊपर एक चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि, धनात्मक चार्ज में वृद्धि क्या है? ऑक्सीकरण है। धनात्मक चार्ज में वृद्धि क्या है? ऑक्सीकरण है। और धनात्मक चार्ज कब आया? जब एक इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला उसी को तो हमने ऑक्सीकरण कहा। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना भी ऑक्सीकरण है और धनात्मक चार्ज में वृद्धि भी ऑक्सीकरण है। इलेक्ट्रॉन का अंदर आना क्या है? रिडक्शन है। और जब इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो धनात्मक चार्ज कम हो जाएगा, धनात्मक चार्ज गायब हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का अंदर आना रिडक्शन है और धनात्मक चार्ज में कमी होना क्या है? वो भी रिडक्शन है। तो ऐसे कई तरीके से अपन इसको डिफाइन करेंगे और इनके गुणों के बारे में अपन पढ़ेंगे इस वाले यूनिट के पार्ट ए में। पार्ट बी में जैसे ही आएंगे हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसंयोजन यौगिकों के बारे में हमको पढ़ना है। तो हम इसमें पढ़ेंगे संकुल के बारे में, उनका IUPAC, उनमें समावयवता, आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम पढ़ने वाले हैं इनके स्ट्रक्चर और जियोमेट्री के बारे में, कि ये चतुष्फलकी टाइप के इनका स्ट्रक्चर है क्या, कि अष्टफलकी टाइप का इनका स्ट्रक्चर है क्या, कि वर्ग समतलीय है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, कि स्क्वायर प्लैनर इनका स्ट्रक्चर है। जब एक कंपाउंड जो है संकुल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो कैसा स्ट्रक्चर शो करता है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ये तो जस्ट इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। डिटेल हम किस में पढ़ेंगे? यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 जो है हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, और इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करेंगे वर्नर थ्योरी से। फिर हम पढ़ने वाले हैं VBT मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर हम पढ़ने वाले हैं CFT मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFSE। इन सब के बारे में हम कहाँ स्टडी करेंगे? यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 जैसे ही कंप्लीट होता है हम यूनिट नंबर 4 में जंप करेंगे। यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट्स के बारे में। जैसे ही मैंने फिर लेंथेनाइड एक्टिनाइड आपको बोला, आपके माइंड में फिर पीरियडिक टेबल आया, लेकिन पीरियडिक टेबल में क्या आया आपके माइंड में? एफ ब्लॉक एलिमेंट। मतलब फोर्थ यूनिट में हम एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 5 में जैसे ही आए हम पढ़ने वाले हैं एसिड और बेस के बारे में, कि अम्ल और क्षार आखिर होते क्या हैं। पहले कैसे पता लगाया जाता था कि अम्ल और क्षार क्या है? चक्कर पता लगाया जाता होगा, फिर लिटमस पेपर आया होगा, फिर कुछ थ्योरीज आई गई होंगी जैसे आर्हिनियस थ्योरी, ब्रॉनस्टेंड लॉरी, लक्स फ्लक्स मॉडल, लुइस थ्योरी। ये सब थ्योरीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या कहता है और कैसे हम अम्ल और क्षार को पहचान सकते हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जलीय विलायक तो है ही, अजलीय विलायकों के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनकी उपयोगिता के बारे में पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन में ये कैसे उपयोगी हैं। इसी दौर में हम पढ़ेंगे लिक्विड अमोनिया के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, HF के बारे में, H2SO4 के बारे में। तो इस प्रकार आपका ये इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो 5 यूनिट में ख़त्म हो जाता है। बहुत छोटा है यूनिट, बहुत सिंपल है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको बोला जाता है पेपर 2, और ये 33 नंबर का होता है। इसमें फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक हैलाइड्स के बारे में। ऑर्गेनिक हैलाइड्स मतलब एक कार्बन कंपाउंड है, उसके साथ हैलाइड जुड़ा हुआ है। हैलाइड मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मैंने एक कार्बन कंपाउंड को R से यहाँ शो कर दिया हुआ है, और हैलाइड ग्रुप को कैसे शो कर दिया हुआ है? X से शो कर दिया हुआ है। ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही है। अगर ये R एल्किल ग्रुप जो है, R को एल्किल ग्रुप बोला जाता है, ये अगर R जो है लॉन्ग कार्बन चेन हो, कार्बन कार्बन की एक श्रृंखला हो, तो इसको बोला जाता है एल्कील हैलाइड। इसको क्या बोला जाता है? एल्कील हैलाइड। और यही एक साइकिल के फॉर्म में हो, जैसे बेंजीन रिंग हो, तो उसको बोला जाता है, अगर ये R क्या हो जाए, बेंजीन रिंग हो और X उससे जुड़ा हुआ है, तो उसको बोला जाता है एरिल हैलाइड। तो हम इस पार्ट में एल्कील हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों के बारे में पढ़ेंगे। हम उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उनकी सिंथेसिस का मेथड पढ़ेंगे, उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, और कुछ कुछ नेम रिएक्शन के बारे में हम इस वाले यूनिट में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 में जैसे ही आएंगे हम पढ़ेंगे अल्कोहल और फिनॉल के बारे में। हाँ, अल्कोहल जैसे ही मैं बोला आपके माइंड में ये आ गया कि ये R तो है ही, ये X की जगह क्या आ गया? अब X की जगह OH आ गया,
ये आर तो है ही और इसके जगह क्या आ गया, OH आ गया। तो OH अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एल्कोहल ग्रुप बोल देते हैं, एल्कोहलिक ग्रुप बोल देते हैं। तो इस एल्कोहलिक वाले पार्ट में हमको क्या पढ़ना है, एल्कोहल का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, फिनॉल का कैसे किया जाता है, साथ ही हम इनके सिंथेसिस मेथड्स को पढ़ेंगे, प्रिपरेशन मेथड्स को पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके बारे में पढ़ना है। फिनॉल जैसे ही आ गया हमको फिनॉल के स्ट्रक्चर को डिटेल से स्टडी करना है। साथ ही हम फिनॉल की एसिडिक नेचर को पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत आता है। तो फिनॉल की एसिडिक नेचर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, फिनॉक्साइड आयन कैसे बनता है, वो स्टेबल फॉर्म में कैसे रहता है, ये डिटेल स्टडी करेंगे हम यूनिट नंबर 2 में। और कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन जो है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, उनको पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने लिख दिया हुआ है जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, RTR रिमेन टीमेन रिएक्शन, फ्रिज रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट, लेडर मनासे रीअरेंजमेंट, इन सब रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास अभिक्रिया का स्टडी हम कहाँ करेंगे, इस वाले पार्ट में करेंगे। जैसे ही हम यूनिट नंबर 3 में आ जाएंगे हमको पढ़ना है एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। एल्डिहाइड और कीटोन कहने से फिर आपके माइंड में आ गया कि आर ग्रुप तो है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप, एक कीटोनिक ग्रुप, है ना। फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ, एल्डिहाइड और कीटोन, उनके बारे में स्टडी करेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर, सिंथेसिस मेथड, फिर उनकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। तो हम पढ़ेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन अभिक्रिया पढ़ेंगे हम, वुल्फ किस्नर अभिक्रिया पढ़ेंगे, बेयर विलेगर रिएक्शन पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में कॉमनली आते हैं, मैंने उसको यहाँ लिख के रख दिया हुआ है। नेक्स्ट यूनिट में हम जब जंप करेंगे तो उसमें पढ़ने वाले हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जैसे ही मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड कहा, ये R तो है ही और ये X के जगह क्या आ गया, COOH। अगर R है ही और उसके साथ क्रियात्मक समूह क्या जुड़ा रहे, COOH जुड़ा रहे, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, हम उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक ग्रुप बोला जाता है इनको। तो इनमें पढ़ना है हमको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में और इनके डेरिवेटिव, चार डेरिवेटिव के बारे में हमको पढ़ना है, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एमाइड और एस्टर, इन चारों के बारे में हम कहाँ स्टडी करेंगे, इस वाले यूनिट में करेंगे। फिर से वही IUPAC नॉमेनक्लेचर, सिंथेसिस मेथड, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। कौन सी यूनिट में, यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 5 में जैसे आते हैं हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब एक आर तो है ही, दूसरा जो ग्रुप जोड़ेंगे एक्स की जगह, इस एक्स के जगह मैंने क्या जोड़ दिया हुआ है, जरा देखो NH2 जोड़ा हुआ है। अब इसको देखने से आपको लग रहा है अरे ये तो एमीन है, तो हाँ एमीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर वही IUPAC नॉमेनक्लेचर, उनका सिंथेसिस मेथड, फिर उनकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ने हैं, इनकी बेसिसिटी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में कौन ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन ज़्यादा बेसिक नेचर का रहता है और क्यों रहता है, इसका रीज़न भी हम इस वाले यूनिट में डिटेल से बताएंगे। जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं उस केमिकल रिएक्शन को, नेम रिएक्शन को मैंने लिख दिया हुआ है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो ये हो गया आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर नंबर 2 का, ये इतने यूनिट हैं और उसमें क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है, मैंने यहाँ समराइज कर दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसको पेपर 3 कहा जाता है और ये 34 मार्क्स का होता है। जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है BSc सेकेंड ईयर का, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडाइनेमिक, थर्मोडाइनेमिक फर्स्ट। थर्मोडाइनेमिक कहने से क्या, थर्मो से ही आपको समझ में आ गया कि ऊष्मा से रिलेटेड है ये, और डायनेमिक कहने का मतलब गति की, तो ऊष्मा गति की पढ़ने वाले हैं, मतलब ऊष्मा के प्रवाह के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप क्या लो, एक लोहे का रॉड लो, उसमें उसको आग में रख दो, धीरे धीरे जो है ऊष्मा जो है वो हाई से लो की ओर आएगा, मतलब आपके हाथ की ओर प्रवाह होगा। तो
ऊष्मा के प्रवाह और ऊर्जा का हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें रिलेशन पढ़ेंगे, साथ ही हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, व्हाट इज़ द सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, एडियाबेटिक सिस्टम, ये सब पढ़ने वाले हैं हम, यूनिवर्स सराउंडिंग ये पढ़ने वाले हैं हम, व्हाट इज़ द पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन ये पढ़ने वाले हैं हम। कहाँ पढ़ने वाले हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं। इसमें ऊष्मा गतिक का जीरो नियम पढ़ने वाले हैं, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम पढ़ने वाले हैं, जूल थॉम्सन इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट में। जैसे ही यूनिट नंबर टू में आएंगे, जरा देखो यूनिट नंबर टू में भी क्या लिखा हुआ है, थर्मोडायनेमिक, मतलब थर्मो लिखा हूँ मैं तो, थर्मोडायनेमिक सेकेंड। तो ये थर्मोडायनेमिक में हमने क्या पढ़ा था, जीरो नियम और प्रथम नियम। इस वाले में हम क्या पढ़ेंगे, सेकेंड नियम और थर्ड नियम। तो जीरो नियम में कुछ कमी रही होगी तो फर्स्ट नियम दिए, फर्स्ट नियम में कुछ कमी रही होगी तो सेकेंड दिए, सेकेंड में कुछ कमी रही होगी तो थर्ड दिए। तो क्या उसकी कमी है, क्यों दिया गया है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी पढ़ने वाले हैं इसमें, कार्नोट साइकिल के बारे में, कार्नोट इंजन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे आप बाइक चला रहे हो, आप कार ड्राइव कर रहे हो, तो उसमें लगा है इंजन, बाइक चलाए, कार ड्राइव किए, इंजन लगा हुआ, इंजन निकाल दिए तो वो हमारे बॉडी का जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन है, वैसे ही बाइक का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इंजन। तो उस इंजन की दक्षता कितनी है और कितना कार्य वो करता है, ये हम कैलकुलेट करेंगे, किस में हम निकालेंगे ये चीज़ कि कितना कार्य वो करता है, कैसे वो वर्क करता है, उसका वर्क परफॉर्मेंस कैसे होता है, हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं, थर्मो सेकेंड में पढ़ने वाले हैं, कार्नोट साइकिल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें किरचॉफ रूल, जैसे ही हम यूनिट नंबर थर्ड में आते हैं, हम पढ़ेंगे केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ने वाले हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल, केपी केसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनके बीच रिलेशन पढ़ने वाले हैं, फ्यूगासिटी प्रेशर इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, आयनिक इक्विलिब्रिया जैसे ही आ गया, हम पीएच के बारे में पढ़ने वाले हैं, पीएच स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है पीएच वैल्यू, ये पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट नंबर थ्री जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यूनिट नंबर फोर में जैसे आते हैं, हम पढ़ेंगे फेज रूल, प्रावस्था नियम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने सुना था अवस्था, अब ये प्रावस्था नया टर्मिनोलॉजी आ गया। तो क्या है इसमें हम बताएंगे प्रावस्था में, प्रावस्था के बाद हम घटक के बारे में जानेंगे, हम स्वतंत्रता की कोटि के बारे में जानेंगे, व्हाट इज़ द फेज, व्हाट इज़ कंपोनेंट एंड व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे, एंड व्हाट इज़ द वन कंपोनेंट सिस्टम, टू कंपोनेंट सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक घटक तंत्र क्या है, द्विघटक तंत्र क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं आपको एक एप्लीकेशन बता देता हूँ फेज रूल का। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, मेटल एक्सट्रैक्शन में, धातुओं के निष्कर्षण में। जैसे मैं खुदाई किया कहीं से और मेरे को सिल्वर मिल गया, तो वो सिल्वर मेरे को प्योर फॉर्म में मिलेगा क्या, नहीं, उसमें तो इम्प्योरिटी रहेगी, तो उस इम्प्योरिटी को मैं दूर करूँगा, निष्कर्षण करूँगा धातु का, मेरे को शुद्ध धातु चाहिए, उसमें से सिल्वर चाहिए, तो उसको मैं क्या करूँगा, धातु निष्कर्षण करूँगा, मेटल का एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो उस फेज रूल को उपयोग कर मेटल एक्सट्रैक्शन किया जाता है, कैसे ये अब डिटेल में पढ़ेंगे, उस टाइम आपको बताएंगे। यूनिट नंबर फाइव में जैसे ही आते हैं, हम पढ़ने वाले हैं फोटोकेमिस्ट्री। अब फोटो से ही आपको समझ में आ गया है, लाइट से रिलेटेड है ये, फोटोन से रिलेटेड है ये, लाइट जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोन्स। तो उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं इस वाले पार्ट में। तो फोटोकेमिस्ट्री में हम रेडिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रेडियो वेव है क्या, कि ये माइक्रोवेव है क्या, कि ये आईआर रेडिएशन है क्या, यूवी है कि विजिबल है, कि ये जो है एक्सरे है, गामा रे है, कॉस्मिक रे है, और ये जो रेडिएशन है कोई मैटर पे जैसे पड़ती है तो उस पर क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है इस मैटर पे, किस पदार्थ पे, जब लाइट किसी पदार्थ पे पड़ी तो क्या इफेक्ट होता है, इन इफेक्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। सपोज कीजिए ये पदार्थ की जगह मैंने क्या रख दिया, यहाँ टेस्ट ट्यूब रख दिया और लाइट को मैंने यहाँ से पास कर दिया, तो जिस इंटेंसिटी की लाइट मैं इस टेस्ट ट्यूब में पास कर रहा हूँ, यहाँ मैंने वाटर भरा हुआ है या कोई भी कलर सॉल्यूशन भरा हुआ है, लाइट मैंने पास किया, जितनी इंटेंसिटी की लाइट मैंने पास की है, क्या सेम इंटेंसिटी की लाइट यहाँ निकलेगी, नहीं,
उसकी तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो क्या कारण रहा होगा, यहाँ बीच में भरा हुआ है वो सॉल्यूशन और उसमें है कुछ पार्टिकल जो उसको एड्सॉर्ब कर लिए होंगे, जो उसको रोक लिए होंगे, अवशोषित कर लिए होंगे उस लाइट को, या स्कैटर्ड कर दिए होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं इससे संबंधित लॉ जिसको बोला जाता है लैम्बर्ट बीएट लॉ। किस में पढ़ेंगे, फोटो केमिस्ट्री में। लाइट से ही संबंधित है ना, लाइट इस पर पड़ी तो यहाँ से हमने ज़्यादा का दिया था, यहाँ तो हमको कम मिला, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो रुका होगा। इस टेस्ट ट्यूब में जो भरा है, वाटर भरा है या कलर सॉल्यूशन भरा है, उसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा। तो उस प्रभाव के बारे में हम पढ़ेंगे इस वाले यूनिट में। हम इसमें पढ़ेंगे स्टॉक आइंस्टीन लॉ के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटम वेल्ड के बारे में पढ़ेंगे, क्या है क्वांटम दक्षता, और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है जेब्लोनॉस्की डायग्राम। आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है जेब्लोनॉस्की डायग्राम। तो ये जो है आपका बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है जिसको हमने डिस्कस किया है। अगर कोई चीज़ डिटेल में और जानकारी चाहिए तो आप क्लास में भी पूछ सकते हो, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। मैं इसके लिए आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ। आप बीएससी के लिए है तो नॉर्मल बुक पढ़िए, आप कॉलेजेस में जनरली ये पढ़ाया जाता है, यूनिफाइड केमिस्ट्री, MMN टंडन और SC अग्रवाल के जरिए लिखी गई है ये बुक, और इजली आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो ये बुक रखिए, जो पढ़ाया जा रहा है उस कंटेंट्स का नोट्स आप बनाइए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए आप, और आप क्लासेस में रेगुलर रहिए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आपके नंबर मैं बता रहा हूँ कि आप जो बीएससी फर्स्ट ईयर में गेन किए हैं बीएससी सेकेंड ईयर में, उससे ज़्यादा ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आज का जो युग है, आज का जो दौर है वो कॉम्पिटिशन का है, आपको थ्योरी कम, आपको नॉलेज गेन करने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसमें हम डिटेल में बताएंगे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम कैसे आप पास कर सकते हो, और ये बीएससी से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे पीएससी का एग्ज़ाम दो या यूपीएससी का एग्ज़ाम दो, आईआईटी जेम का एग्ज़ाम दो, सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम दो, गेट का दो, तो ये सारे क्वेश्चन आपके इसी बीएससी से ही बनने वाले हैं। बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए तभी आप कोई भी चीज़ अच्छे से कर पाओगे, आपका न्यू मजबूत रहना चाहिए। Thank you for watching.